नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज। सांसद बनने के बाद चिराग पासवान अपने चारों सांसद के साथ आज खगौल के नेहुरा कॉलोनी स्थित शिव मंदिर पे पहुंचे और भोले बाबा जो बाबा हैं उनका दर्शन किया उन्होंने और आशीर्वाद लिया और उनसे उनकी पूजा अर्चना की। और साथ ही साथ उन्होंने यह बात कहा कि बाबा में मेरा पूरा विश्वास है, जब मैं अकेला था तो मेरे एक सहारा बाबा ही मेरे साथ थे, जिसके कारण आज हम चुनाव में पांचों सीट जो हमारा था सांसद सीट वो हम विजयी हुए हैं। इसलिए बाबा में आस्था है तो यहाँ हम आते हैं और बाबा की पूजा अर्चना जो है वो करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने जो पेपर लीक हुआ है नीट की परीक्षा की उस पर भी उन्होंने कहा है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि छात्रों के साथ खिलवाड़ जो है वो ना हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से स्पष्ट है, स्पष्ट नजर आ रही है। और हाईकोर्ट में भी इसका जो है मामला जो है अभी चल रहा है, तो देखिए और क्या कुछ चिराग पासवान ने कहा। और साथ ही साथ उनकी माता जी ने बात करते हुए हमसे कहा कि चिराग पासवान ने जो सीट जीते हैं पांचों सीट सांसद वो सबसे बड़ी हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। और शादी की बात पर उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि शादी हो चिराग पासवान की, हमें जीत के बाद बहुत ही बेहद ही खुशी है। आगे चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा आइए देखिए। देखिए, मेरी श्रद्धा है, मेरा विश्वास है, आस्था है। महादेव ने मुझे बहुत कुछ दिया है, महादेव की वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जीवन के अपने संघर्ष के दिनों में सिर्फ उन्हीं का ही मुझे साथ था, तो ऐसे में सिर्फ उनका धन्यवाद करने आया हूँ। उन्होंने मुझे मेरे परिवार को इतना मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब, सिर्फ उनका धन्यवाद करना। लालू यादव जी ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि अयोध्या वालों ने सबक सिखाया है भाजपा को। बात सबक की नहीं, चुनाव में हार जीत होती रहती है, बट हाँ इस बात का हम लोगों को मंथन करने की जरूरत है। अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी, जहाँ उनके इतने भव्य मंदिर का हम लोगों ने मिलकर निर्माण किया, ऐसे में कहाँ गलती हुई कहाँ चूक हुई, मुझे लगता है उसका अध्ययन किया जाएगा और अपनी भूल सुधार कर होना एक नए उत्साह के साथ फिर हम लोग चुनावी रण में उतरे। क्या कह रहे हैं, सदन चलने नहीं दे रहे विपक्ष वाले, ये गलत सोच है। अगर आपकी कुछ चिंताएं भी हैं किसी भी विषय को लेकर, कम से कम सदन चलना चाहिए। सदन चलेगा तो विपक्ष भी अपनी बातों को जिस तरह से नीट का मुद्दा उठ रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे। नीट के मुद्दे पर सरकार पूरी तरीके से, सरकार का स्पष्ट पक्ष पूरी तरीके से स्पष्ट है। हम लोग चाहते हैं कि किसी भी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो, इसमें बहुत अलग अलग पक्ष हैं। सरकार हर स्टेक होल्डर से बात कर रही है, हर छात्रों से बात कर रही है, मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है, ऐसे में उसका भी हम लोग को इंतजार है। जांच एजेंसियां भी पेपर लीक पर अध्ययन कर रही है, तमाम विषय जब सामने आएंगे उसके बाद सही समय पर सही फैसला छात्रों के हित में लिया जाए। एक माफी से बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि उसका बेटा अपनी मेहनत से इतना आगे। शादी को लेकर क्या कहेंगे, अब बात करेंगे क्या क्या सोचा है। मैं तो चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी कर। तो देखा आपने कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा और किस तरह से पूजा अर्चना करने आए और यहाँ पे नीट मामले में साथ ही साथ अयोध्या मामले जो सांसद विपक्षी जो है सांसद नहीं चलने दे रहे हैं उस मामले में उन्होंने क्या कुछ कहा, तो देखा आपने। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। अभी तक हमारे आरभट न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे वेबसाइट www.arbhatnews.in पर जाकर खबरों से रूबरू हो सकते हैं। बने रहे आरभट न्यूज के साथ। नमस्कार।